पूर्व में हमने प्री मेंडेलियन पीरियड में जेनेटिक्स के नए तथ्यों की खोजों में योगदान देने वाले मुख्य व्यक्तियों की थ्योरीज को देखा और अब हम ग्रेगर जोहान मेंडल के कार्यों का अध्ययन करेंगे। ग्रेगर जोहान मेंडल को जेनेटिक्स में उनके अभूतपूर्व योगदान के कारण फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया में 1822 में हुआ और अपने जीवन के प्रारंभिक समय में ये एक चर्च में पादरी थे। उसके बाद ये लंबे समय तक शिक्षक रहे और इन्होंने अपने सभी कार्य मॉनेस्ट्री गार्डन्स में पूरे किए जो इनहेरिटेंस से संबंधित प्रायोगिक कार्य थे। इन्होंने अपने जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए स्वीट पी यानी मटर के पौधे को चुना। मटर के पौधे में कुछ खास तरह के गुण होते हैं जो काफ़ी मददगार साबित हुए इनहेरिटेंस के प्रायोगिक कार्यों को करने में। मटर के पौधे में विपर्यासी लक्षण होते हैं, एक ही लक्षण के दो या दो से ज़्यादा लक्षण पाए जाते हैं। इनमें एक ही बार के क्रॉस से काफ़ी बड़ी मात्रा में ऑफस्प्रिंग्स प्राप्त हो जाती हैं। इनका लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है जिसके कारण कम समय में हमें ज़्यादा जनरेशन्स को स्टडी करने का मौका मिलता है। क्रॉस पॉलिनेशन संभव होता है। इसके अलावा मटर के पौधे में कुछ और लक्षण होते हैं, जैसे इसका जो फूल है वो बाइसेक्सुअल होता है और बाइसेक्सुअल होने के साथ साथ इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्योंकि वो बाइसेक्सुअल है। सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इसका लाइफ साइकिल क्योंकि छोटा है तो एक ही सीज़न में पूरा हो जाता है। इसके जो हाइब्रिड होते हैं, जो संकर हमें प्राप्त होते हैं, वो फर्टाइल होते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी वैरायटी पाई जाती हैं लक्षणों की, जिनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हमारे पास होते हैं। मेंडल ने 7 लक्षणों को चुना अध्ययन करने के लिए और वो जो 7 लक्षण मेंडल ने चुने उसमें एक शीड शेप में राउंड और रिंकल्ड, शीड कलर येलो कलर और ग्रीन कलर, फ्लावर कलर पर्पल और वाइट, फ्लावर पोजीशन एक्सियल हो सकते हैं, अक्षीय हो सकते हैं वो, और टर्मिनल यानी अंतस्थ हो सकते हैं। प्लांट हाइट, टॉल प्लांट लिए, शॉर्ट प्लांट लिए, ये सब कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं। मेंडल ने जब लक्षणों का अध्ययन किया तो उसने ये पाया कि एक लक्षण ऐसा है जो प्रभावी है और एक लक्षण वो है जो अप्रभावी है। हम इसे बाद में जब मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे तब देखेंगे। तो ये वो ट्रेट्स थे जिनको उसने अध्ययन के लिए लिया। इसके अलावा पॉड शेप, जो फली था उसकी आकृति, इनफ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड कलर उन्होंने लिया, वो ग्रीन हो सकता है और येलो। तो हर लक्षण के हम यह देख रहे हैं कि दो दो या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जिनको हम अब एलील्स बोलते हैं। और इन 7 लक्षणों का मेंडल ने उपयोग किया अपने अध्ययन में। मेंडल की, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने जेनेटिक्स का कार्य किया था, तो मेंडल ने जो कार्य किए उसमें उसे कंपैरेटिवली ज़्यादा सफलता मिली। और उसे अपने कार्यों में सफलता कैसे मिली, वो क्या कारण थे, उसने अपने सारे जो प्रायोगिक कार्य किए उन सबको
वेल प्लान्ड वे में किया, बहुत अच्छी तरह व्यवस्थित रूप में किया। जो व्यवस्थाएं उसने सुनिश्चित करी वो क्या थी, मेंडल ने सबसे पहली उसको सफलता यही मिली कि उसने बहुत अच्छा जो उसका प्लांट का चुनाव था वो बहुत सही था, क्योंकि जो पी प्लांट है उसमें बहुत सारी ऐसी, जैसे मैं अपने पूर्व में देखा, बहुत सारे ऐसे खास लक्षण हैं जिसमें उसको बहुत महत्वपूर्ण योगदान मिला, जिसके कारण वो सफल हो पाया अपने जेनेटिक्स के प्रयोगों में। जैसे ये एक वार्षिक पौधा था और इसमें नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होता था, और इसके अलावा इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी संभव हुआ, जो मेंडल ने कंट्रोल करने के लिए अपने लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो लक्षण वो चाहता था वही जाए, उसके लिए उसने क्रॉस पॉलिनेशन भी किया। तो जो पी प्लांट है उसमें दोनों तरह का पॉलिनेशन संभव था, क्रॉस पॉलिनेशन भी और सेल्फ पॉलिनेशन भी। इसके अलावा मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण के ऊपर फोकस किया। एक समय में वो दो या दो से ज़्यादा लक्षणों को नहीं लेके चल रहा था, जिस लक्षण को स्टडी करना था उसने उसी के ऊपर फोकस किया। तीसरा, उसने अपना जितना भी प्रयोग किया उसका एक्यूरेट रिकॉर्ड रखा, वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह से उसने अपने रिकॉर्ड को परफेक्ट रखा। उसने स्टैटिकल सांख्यिकी के तरीकों को अपने एनालिसिस के लिए, अपने विश्लेषण के लिए काम में लिया, और जो मेंडल था उसने अपने द कैरेक्टर सेलेक्टेड बाय मेंडल वर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। ये इसलिए क्योंकि जैसे अब हमने बाद में देखा, अब जो बाद की थ्योरीज पोस्ट मेंडेलियन थ्योरी जब हम देखते हैं, हम यूँ कहें कि डेविएशन इन मेंडलिज्म जब हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि लक्षण फ्री नहीं है जीन्स, जैसे इसने कहा था कि जीन्स जो थर्ड लॉ है मेंडल का, जिसमें उसने कहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपिव्यूहन का नियम, उसने कहा है कि जीन स्वतंत्र होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने के लिए। तो अब हम जब लिंकेज को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि नहीं, जीन स्वतंत्र नहीं होते, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो मेंडल इस मामले में भाग्यशाली रहा कि उसने एक ही क्रोमोसोम के पर उपस्थित पास जीन्स को उपयोग में नहीं लिया, उन लक्षणों को उपयोग में नहीं लिया अपने अध्ययन के लिए, और उसने ऐसे लक्षण लिए जो दो अलग अलग क्रोमोसोम पर उपस्थित थे। तो लिंकेज वाला जो प्रभाव था वो इम्पैक्ट वहाँ नज़र नहीं आया, और वो प्रभावशाली तरीके से निर्विघ्न, हम ये कह सकते हैं बिना किसी रुकावट के, वो अपने जो प्रायोगिक कार्य थे उनको करने में सफल रहा। तो ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर जो उपस्थित जीन्स थे उनको, उन लक्षणों को प्रयोग में काम में लिया। सभी तरह के जो 7 pairs इसने लिए थे लक्षणों के लिए, ट्रेट्स जो इसने लिए थे अध्ययन करने के लिए, उनके कॉन्ट्रास्टिंग विप्रयासी लक्षण वहाँ मौजूद थे, और उन सभी में सबसे ज़्यादा और भी विशेष बात ये थी कि उनमें कंप्लीट डोमिनेंस था। वही फिर अगेन वही बात आती है कि जब हम आगे देखेंगे डेविएशन इन मेंडलिज्म, तो हम देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, को डोमिनेंस होता है। तो अगर वो प्रभाव यहाँ आए होते तो मेंडल के प्रयोगों के वो रिजल्ट, वो परिणाम नहीं रहे होते जो रहे, तो वो बाधाएं इसमें नहीं आई, क्योंकि बहुत सही चुनाव लक्षणों का और पौधे का मेंडल ने अपने प्रायोगिक कार्यों के लिए किया। अब ये कि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि मटर के पौधे में दोनों तरह का पॉलिनेशन संभव होता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी और सेल्फ पॉलिनेशन भी, और जब हम नियंत्रित लक्षण चाहते हैं किसी भी जनरेशन में, किसी भी एक्सपेरिमेंट में, तो हम वहाँ क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं। तो वही कार्य यहाँ पर मेंडल के द्वारा भी किया गया। मेंडल ने पॉलिनेशन के लिए आर्टिफिशियल मेथड यूज़ किया,
तो हम देखते हैं कि फ्लावर, मैंने भी कहा कि बाइसेक्सुअल फ्लावर इसमें है, तो स्टिग्मा इसमें होता है, ये फीमेल पार्ट है और ये मेल एंथर है, तो दोनों पार्ट यहाँ मौजूद है। तो उसने क्या किया कि पहले ब्रश से जो एंथर्स थे उनको कलेक्ट किया, उसके बाद स्टिग्मा पर उनको झाड़ दिया गया। अब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो इसके लिए जो एंथर्स थे बाकी एंथर्स को रिमूव कर दिया गया वहाँ से। अब हमारे पास सिर्फ स्टिग्मा बचा, और वो स्टिग्मा भी क्या था, जिसमें पहले से ब्रश के द्वारा हम पहुंचा चुके थे एंथर्स को पॉलिनेशन के लिए। तो इस तरह का सेल्फ पॉलिनेशन, सॉरी क्रॉस पॉलिनेशन उसने कराया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन मेंडल के द्वारा कराया गया। इस तरह का जो पॉलिनेशन है उसको हम कहते हैं एमास्कुलेशन, जहाँ पर एंथर्स को रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन एमास्कुलेशन के बाद में बैगिंग नहीं करी जाए अगर, तो ये प्रोसेस सेफ नहीं होता, यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन की संभावनाएं बनी रहती है। तो एंथर्स को रिमूव करने के बाद में दूसरा किसी भी तरह का और मेल जर्म सेल यहाँ नहीं पहुँचे, उसके कारण इसको बांध दिया जाता है, इस पार्ट को बांध दिया जाता है यहाँ पर, इसको हम ये यहाँ पर एंथर को रिमूव कर दिया गया है और स्टिग्मा के ऊपर हम पहले से एंथर के जो पार्ट हमें चाहिए, मेल जर्म सेल्स हमें चाहिए, वो हम यहाँ पहुँचा चुके हैं, तो हम इसको बैगिंग कर देते हैं, इसको बांध देते हैं। इस तरह का आर्टिफिशियल पॉलिनेशन यूज़ किया मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, जब कंट्रोल्ड पॉलिनेशन होता है और जिसके कारण हम जो चाहते हैं वो लक्षण और वही जो पॉलिनेशन है वो होता है, और हम जैसे लक्षण चाहते हैं वैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में अंतर क्या है? तो सेल्फ पॉलिनेशन में, क्योंकि ये द्विलिंगी फूल है तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है, तो निषेचन, ये जो परागण की क्रिया है, यहाँ से ये पॉलिनेशन, ये जो एंथर्स हैं ये इसके ऊपर हवा से और इंसेक्ट्स के द्वारा और पहुँच जाते हैं स्टिग्मा पर, यहाँ ये स्टिग्मा पर यहाँ से मूव करते हैं, स्टिग्मा पर पहुँच जाते हैं, और इस तरह से ये सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। जब हम अभी जैसे बताया क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, तो वो वही प्रोसेस है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम एंथर्स को स्टिग्मा के ऊपर ब्रश की हेल्प से या किसी भी दूसरे सोर्स से पहुंचाते हैं खुद, और फिर एंथर्स को रिमूव कर दिया जाता है, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए दो तरह के क्रॉस या संकरण अपनाए, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स। जो मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स है या मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसमें एक लक्षण को लिया जाता है, और जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है उसमें दो लक्षणों को एक साथ लिया जाता है। तो पहले हम देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, सबसे पहले जो प्लांट्स प्योर लक्षणों वाले प्लांट थे, उन प्लांट्स के बीच में ब्रीडिंग कराई मेंडल ने, और ऐसे जो प्योर लक्षणों वाले प्लांट थे उन फर्स्ट
प्लांट्स के जो ग्रुप था उसको कहा गया पी जनरेशन, उनको पी जनरेशन या पेरेंटल जनरेशन कहा गया। ये जो पेरेंटल जनरेशन थी इनके बीच में क्रॉस कराया गया और इससे जो ऑफ स्प्रिंग हमें मिली उसको हमने कहा F1 जनरेशन। ये F1 जनरेशन फीलियल जनरेशन है और फीलियल जनरेशन उसको हम कहते हैं फीलियस का जो मीन्स है लैटिन में क्या होता है, फीलियस मीन्स सन। तो इसको हम हमेशा जब मेंडल का कार्यों को हम देख रहे हैं तो हम इसको फीलियल जनरेशन कहते हैं, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के जो प्लांट थे जो पी या पेरेंटल जनरेशन थी वहाँ पर उसने जो क्रॉस कराया था वो आर्टिफिशियल क्रॉस था और हम इसको कह सकते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन था। क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ उसने कराया किसमें, पेरेंटल जनरेशन में, जो मैं अभी बताया ये तरीका। उसके बाद में F1 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस हुआ, ये सेल्फ क्रॉस, ये सेल्फ पॉलिनेशन। तो पेरेंटल जनरेशन में जो क्रॉस कराया गया वो क्रॉस पॉलिनेशन और जो F1 जनरेशन में F2 लेने के लिए, F1 जनरेशन से F2 जनरेशन प्राप्त करने के लिए जो क्रॉस कराया गया वो सेल्फ पॉलिनेशन था। अब F2 जनरेशन जब हमें प्राप्त हुई तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट अपने किए थे सबसे पहले किए थे प्लांट्स की लंबाई का उसने ट्रेट लिया था, लक्षण लिया था और इनके विपर्यासी लक्षण या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट। F1 या फर्स्ट फीलियल जनरेशन में सभी टॉल प्लांट मिले। फिर इनमें सेल्फ क्रॉस कराया गया और सेल्फ क्रॉस कराकर जो सेकेंड जनरेशन या F2 सेकेंड फीलियल जनरेशन हमें मिली उसमें तीन टॉल और एक शॉर्ट, 3:1 का रेशो प्राप्त हुआ। ये पहला लक्षण था जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया, एक ही लक्षण लिया क्योंकि हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात यहाँ कर रहे हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लंबाई के अलावा जो दूसरे लक्षण मेंडल के द्वारा लिए गए वो अभी हमने जैसे पहले बात करी थी 7 ट्रेट्स या 7 लक्षण जो मेंडल के द्वारा लिए गए, जैसे ये फ्लावर कलर में हमने देखा, फ्लावर कलर में वॉयलेट और वाइट दो कलर होते हैं। F1 स्प्रिंग में हमें 100% वॉयलेट मिलता है। अभी हम जब फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल की बात करेंगे, मेंडल का जो पहला नियम है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो अभी हमने बात करी थी कि जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं एक ही लक्षण के, जो दो विपर्यासी लक्षण हैं उसमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, एक प्रभावी और एक अप्रभावी होता है। और F1 जनरेशन में हमें हमेशा प्रभावी लक्षण है वो मिलता है और F2 जनरेशन में क्योंकि अप्रभावी लक्षण तभी हमें नज़र आ सकता है जब वो होमोजाइगस हो, हेटरोजाइगस कंडीशन में या विषम युग्मजी स्थिति में हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो फ्लावर कलर में हमारे पास दो कलर थे, वॉयलेट और वाइट, और F1 जनरेशन में क्योंकि वॉयलेट कलर जो है वो डोमिनेंट है और इसीलिए, और हम ये इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि 100% F1 जनरेशन में वायलेट कलर है तो वो डोमिनेंट है। F2 जनरेशन में हमें 705 वायलेट और 224 वाइट कलर के फ्लावर मिलते हैं और हमें F2 में जो रेशो मिलता है वो मिलता है 3:1, मतलब लगभग 3:1 का रेशो हमें मिलता है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि यही अनुपात मोनोहाइब्रिड क्रॉस का हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस में प्राप्त होता है, प्रभाविता के नियम में प्राप्त होता है। जो सेकेंड ट्रेट है वो है फ्लावर पोजीशन।
फूल की क्या स्थिति है, वो एक्सियल हो सकते हैं, कक्षस्थ हो सकते हैं और टर्मिनल यानी अंतस्थ हो सकते हैं। F1 जनरेशन में हमें सभी एक्सियल मिलते हैं, मतलब ये प्रभावी लक्षण है अक्षस्थ होने का, अक्षीय होने का। और F2 जनरेशन में हमें मिलते हैं 651 एक्सियल और 207 टर्मिनल। अनुपात फिर 3.14:1 मिलता है, लगभग 3:1 रेशो हमें प्राप्त होता है। मेंडल के सभी 7 जो ट्रेट्स या लक्षण लिए गए थे और उनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, इन सब का रेशो अध्ययन करने के बाद लगभग 3:1 आता है, जो प्रूव करता है प्रभाविता के नियम को। और उसका जो पहला नियम था वो इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर दिया गया। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स F2 जनरेशन तक ही नहीं किए, F3 और F4 जनरेशंस तक भी उसने अपने एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन उसके जो मॉडल हैं, उसने जो अपने निष्कर्ष निकाले, उसमें 2 F1 और F2, 2 फीलियल जनरेशन और 1 पेरेंटल जनरेशन को ही काम में लिया। उन्हीं के आधार पर उसने अपने निष्कर्ष निकाले। F3 और F4 जनरेशंस को उसने अपने निष्कर्षों में ज़्यादा शामिल नहीं किया। दो प्रकार के एक्सपेरिमेंट, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस, जो मेंडल के द्वारा किए गए, दो प्रकार के कार्य जो मेंडल के द्वारा किए गए, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस, उनके आधार पर मेंडल ने अपने नियम बनाए। और वो नियम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर, ये नियम 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, और नंबर 2 लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये मोनोहाइब्रिड जो एक्सपेरिमेंट्स थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित जो उसके प्रयोग थे, उनके आधार पर बनाए गए। और जो डाईहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकरण प्रयोग जो उसके थे, उसके आधार पर उसका तीसरा नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया गया।